प्यारे बच्चों, अभी तक आपने देखा कि नक्शों का इतिहास क्या रहा, लोगों ने किस तरह से नक्शों का विकास किया और उसका कैसे कैसे उपयोग हुआ। आपने ये भी देखा कि जो यूरोप के नाविक थे, उन्होंने इसे विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके पीछे उद्देश्य थे व्यापार करना, नई जगहों को जानना, वहाँ के संसाधनों का पता लगाना, वहाँ के संस्कृतियों को, जलवायु को समझना, ये उद्देश्य थे। लेकिन धीरे धीरे उद्देश्य कुछ बदलते गए। जब लोगों को पता चला कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे जगहों पर बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं और लोग भी सरल हैं, सीधे साधे हैं, तो उनके दिमाग में इच्छा हुई कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, उपनिवेश स्थापित किए जाएँ। तो ये जब विचार लोगों के मन में आया, तो लोगों ने बहुत सारे लोगों का दल बनाया, जिसमें नक्शा बनाने वाले, वैज्ञानिक, भूगोल के जानकार, इस तरह के लोग थे। और इनकी मदद से उन्होंने उन स्थानों के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी करनी शुरू की, भीतरी देश के महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों के नक्शे बनाने शुरू किए। ये जो टीम थी, ये जो दल थे, उन्होंने कई महाद्वीपों को, देशों को पार किया, कई रेगिस्तानों को, पहाड़ों को पार कर किया, नदियों को पार किया और गाँव शहरों तक गए और वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ कैसे संसाधन हैं, कैसे हम वहाँ अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इन तमाम जानकारियों को उन्होंने नक्शों पर प्रदर्शित करना शुरू किया और जो यूरोप के उपनिवेशवादी लोग थे, उन तक इन सारी जानकारियों को पहुँचाया। और धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार इन सारे देशों, महाद्वीपों में किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है, हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। जब वो यहाँ पर अपने शक्तियों के विस्तार कर रहे थे, उस समय उन्होंने पूरे देश का सर्वे कराया और एक विभाग की स्थापना की, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे देश की सारी जानकारियों को इकट्ठा करना शुरू किया। बहुत दूर दराज के क्षेत्रों तक वो गए और उन सारी सूचनाओं को इकट्ठा किया। 1802 में विलियम लैम्पटन ने एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वे की शुरुआत की। यह सर्वे हिमालय से संबंधित था। हिमालय के विस्तार यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसके ऊंचाई से संबंधित सर्वे को दुनिया के एक महत्वपूर्ण सर्वे के रूप में पहचाना जाता है। यह जिम्मेदारी सर जॉर्ज एवरेस्ट को दी गई। उन्होंने इस पूरे सर्वे के दरमियान ये पता लगाया कि हिमालय पर ही एक ऐसी चोटी है जो दुनिया से सबसे ऊँची है। इस चोटी को आप आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, तो ये जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इस चोटी का नाम रखा गया। तो ये सर्वे का एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, पहचान थी कि सर्वे किस तरह से होता है और उसका क्या उपयोग हो सकता है। नक्शों का जो इस्तेमाल है, वो युद्धों में बहुत हुआ। जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, उस दरमियान भी देशों ने नक्शों का बड़ा ही ज़बरदस्त उपयोग किया। और यही एक वजह थी कि बहुत सारे देश अब चाहते थे कि अपने नक्शों को, अपने देश के अलग अलग हिस्से के नक्शों को बड़ा गुप्त रखें। लेकिन आज के समय में ये बातें संभव नहीं हैं। आज हमारे पास ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे GPS, GIS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GIS यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और भी दूसरी उन्नत तकनीकें हमारे पास आज मौजूद हैं, जो नक्शे को बहुत ही बारीकी से और कम समय में हमारे सामने ला कर रख देती हैं। आपने भी अपने मोबाइल पे गूगल अर्थ का इस्तेमाल किया होगा, आप कुछ ही सेकंडों में दुनिया के किसी भी हिस्से के नक्शे को अपने सामने देख पाते हैं और जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो ये नक्शों के विकास का क्रम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, इसकी एक छोटी सी रोचक कहानी आपने अलग अलग हिस्सों में देखी। बच्चों, अब हमारे सामने सवाल ये है कि इन नक्शों का उपयोग हम कैसे करें। हम जानते हैं कि हमारे देश में विविध तरह के संसाधन हैं, पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पर कम, कहीं ज़्यादा, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ हैं, और तमाम तरह की विविधताएँ यहाँ पर हैं। नक्शों के मदद से हम इस बात को निश्चित कर सकते हैं कहाँ पर किन चीज़ों की आवश्यकता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोली जा सकती हैं, कहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पानी कैसे पहुँचाया जा सकता है, बहुत सारे उद्योग धंधों को कहाँ स्थापित किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमें है। तो इन नक्शों की मदद से हम इनका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अध्याय आपके सामने था जो नक्शों के बारे में आपसे बात कर रहा था। आपने पूरे इतिहास को देखा, उसके विकास को देखा, नक्शों का विकास किस क्रम से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा और हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।